हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेजिटेशन के बारे में और उसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है और क्या उसका मीनिंग है और किस तरीके से वो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो जैसा कि वेजिटेशन का हिंदी मीनिंग होता है वनस्पति, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी दो तीन डेफिनेशन है जो कि मैंने यहाँ शॉर्टलाइज की हुई है। फर्स्ट डेफिनेशन है, वेजिटेशन मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन अ सर्टेन लोकेलिटी और प्लेस और एरिया। मीन्स कि कोई भी एक ऐसा एरिया, प्लेस या फिर लोकेलिटी जहाँ पे प्लांट्स, यानी कि आप प्लांट्स के अंदर आ जाती हैं श्रब्स, हर्ब्स, घास या फिर ट्रीज, कुछ भी प्रजातियां जो उगती हैं, कोई भी वैरायटी प्लांट्स की उगती है तो उसी को वेजिटेशन कहा जाता है। और ये वैरायटीज मे बी नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियली तरीके से भी उगाई जा सकती है। तो दोनों केस में इसको वेजिटेशन ही कहते हैं। अगर नेचुरली उग रही है तो उसे नेचुरल वेजिटेशन, और अगर उसमें आर्टिफिशियली अगर उसको उगाया जा रहा है तो फिर आर्टिफिशियल वेजिटेशन को कहते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज ही उग जाए तो उसको ही वेजिटेशन कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग टाइप की वेराइटीज यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि एक नीचे इमेज है, इसके जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्रीज भी, वुडन ट्रीज भी दिख रहे हैं और छोटी झाड़ियाँ, श्रब्स भी दिख रही हैं, नीचे ग्रासेस भी दिख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें एक पूरा कॉम्बिनेशन, यानी कि कहीं पर कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है ग्रीनिश कलर का, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं। या तो एक डेफिनेशन ये है। और नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, द कलेक्शन एंड कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन स्पेस इज कॉल्ड वेजिटेशन। मीन्स की प्लांट्स का कलेक्शन प्लस उनकी कंटिन्यूसली ग्रोथ जो हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसी को वेजिटेशन कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज द टोटली ऑफ प्लांट ग्रोथ इंक्लूडिंग लार्ज और स्मॉल पॉपुलेशंस ऑफ ईच स्पीस इंटरमिक्स इन अ रीजन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज हमें मिल सकती हैं, जैसे कि कुछ बड़े ट्रीज होंगे, उनकी अलग इकोनॉमिक वैल्यू होगी, कुछ श्रब्स होंगे, कुछ ग्रीन ग्रासेस होंगी। तो ये सारी एक रीजन, ऐसा पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज के प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसको वेजिटेशन कहते हैं। और एक और डेफिनेशन है, इन अदर वर्ड्स वेजिटेशन इज द सम टोटल ऑफ प्लांट पॉपुलेशन कवरिंग अ रीजन। यानी कि एक पूरा रीजन है, यहाँ पे जितने भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, और जिस भी वैरायटी के प्लांट्स वो चाहे हों, वो पूरे एक रीजन को कवर कर रहे हैं, तो इसी को वनस्पति कहते हैं या वेजिटेशन कहते हैं, ओके? और जो वेजिटेशन है, मैं आपको बता दूं, ये इसके काफी एडवांटेजेस, वाटर टेबल है वो मेंटेन रहती है, दूसरी बात जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो होती हैं वो मेंटेन रहती हैं, और दूसरी बात जो कार्बन की कंसंट्रेशन है वो भी कम होती रहती है, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन रहती है तो वो कार्बन भी प्लांट्स अपटेक करते हैं, जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे और उतने कार्बन वो लेंगे, और जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन क्या होगी, कम होगी, ओके? प्लांट्स जो होते हैं वो अपने रूट्स के थ्रू जो सॉइल इरोजन है उस चीज को रोकते हैं, भूमि का कटाव, यानी हिंदी में अगर बोलें तो उस चीज को रोकते हैं, जड़ों को से सॉइल को जकड़े रहते हैं। और साथ ही साथ अगर देखिए इसी रीजन में आप देख लीजिए कितने सारे प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से जो एनिमल्स या फिर वाइल्ड लाइफ का अच्छा खासा एक शेल्टर बन गया है यहाँ पे। अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं वो रहने के लिए आते हैं, उनके लिए एक हैबिटेट बन जाता है, तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेजेस है, जिससे कि क्या होगा, इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहेगा और बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें वेजिटेशन को रीजन वाइज कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो इसको किया गया है मेजर फोर टाइप्स में, जो कि है, फर्स्ट है आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरियाज इंक्लूडिंग ट्रीज, वुडी टिम्बर, श्रब्स, फ्रूट्स, ग्रासेस, ये सारी चीजें आपको फॉरेस्ट में मिलेंगी। और दूसरा होता है ग्रासलैंड, जहाँ पे क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स मीन्स की जो ओनली ग्रास, टुंड्रा। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट एंड द फिफ्थ वन इज आईशीट। तो ये तो है आपके रीजन्स वाइज डिवाइड किया गया है फाइव टाइप्स में। और अगर बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की, तो इंडिया की अगर बात करें नेचुरल वेजिटेशन, तो इंडिया में फाइव टाइप से डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट में पढ़ लेती हूँ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इन सभी टाइप्स को हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर तो फिर आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।